एक महीने से ज्यादा समय लॉकडाउन हुए हो चुका है और पंजाब सरकार की ओर से लाखों दावे किए जा रहे हैं कि लोगों तक राशन घर घर में पहुंचाया जा रहा है। वहीं सरकार के दावों की पोल खोल रही है यह तस्वीरें। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे गली के बाहर लोगों की ओर से पोस्टर लगा दिए गए हैं और पोस्टर पर लिखा है कि सरकार द्वारा उन्हें कोई भी राशन सामग्री नहीं दी जा रही और अगर कोई सरकार की ओर से राशन सामग्री आ रही है तो सरकार के नुमाइंदे इस अपने चहेते को देकर चले जाते हैं और गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, जिसके संबंध में मोहल्ला वासियों ने इकट्ठे होकर पंजाब सरकार का विरोध किया। मीडिया से बात करते हुए लोगों ने बताया कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी के इलाके के रहने वाले लोग हैं और उनके मोहल्ले का काउंसलर भी मंत्री ओम प्रकाश सोनी के पारिवारिक सदस्यों में से ही है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जो राशन सामग्री आ रही है जिसमें 10 किलो आटा परिवार के लिए आता है, लेकिन इसके द्वारा 5 किलो आटा दो परिवारों को दिया जा रहा है और वही जब यह राशन बांटते हैं तो इनकी ओर से लोगों के साथ पश्चाताप भी किया जा रहा है। वही उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार को जो भी राशन सामग्री भेजनी है उसे सील करके ही भेजे ताकि उसे पारिवारिक लोग ही खोल सके, जो इन लोगों की ओर से इसमें हेराफेरी ना की जाए। वही आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार राशन भेजती है तो वह राशन सभी जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। अगर कांग्रेसी वर्करों की तरफ से पक्षपात ही करना है तो फिर किसी को भी राशन ना दिया जाए। 70 नंबर वार्ड है, इथों दा काउंसलर ओदा कैप्टन मंत्री दा मुंडा विकास बेनती है कि जिहड़ा सरकार पंजाब सरकार वालों राशन आ रहा वो एक तोड़े दे दो दो किते जा रहे हैं और अपने करिंदियां नूं 15-15 पर्चियां दे रहे हैं, अपने करिंदियां नूं एक तोड़े की थां ते दो दो करदे ने और दो दो घरां 'च वंडदे ने। असीं उन्हां नूं पुछना चाहुंदे हां जे 400 तोड़ा आया ते अद्धा तां जिहड़ा बाकी 400 किथे गया। दूसरे नंबर ते कि जिन्हां दे नीले कार्ड बने ने उहनां नूं सरकार वालों कणक राशन वखरा आया, इस तों वखरा आया, वह भी किसी को 20% लोगों दिता, 80% वह भी दिता। जेडे आ कार्ड जी आम कणक आई आ हर घर वास्ते वह भी जी अपने बंदियां 15-15, 20-20 पर्चियां दे के ते अपने करिंदियां दित्तियां, दूजियां नूं नहीं दे रहा। और इत्थों तक कि पुलिस का दबाव जिहड़ा वह पा के इसनों दबाना चाहते आ। मैं उस दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस दफ्तर भी करके आया सां, अज इत्थे भी कर रहा। असीं इन्हां नूं वार्निंग दिंदे आ कि जो पंजाब सरकार वालों राशन आउंदा पिया सीलबंद लिफाफे आउंदे आ उह लोकां नूं दित्ते जाण, लोकां नूं लाइनां 'च ना खड़ा कीता जावे तां कि कदे कदे इधर जाओ जी, कदे इधर जाओ। इत्थे चंद बंदे ने, मैं पंजाब सरकार और जिला प्रशासन पंजाब सरकार और जिला प्रशासन नूं मैं मेरी गल होई आ डी सी साहब दे नाल, उन्हां कहा जी अपनी जो भी तुहाडी मंग आ उह तुसीं मेरे लीडर नूं लिखा दिओ ते मैं तुसीं जो कहिंदे ठीक आ ते इह लिखा दिओ। असीं उहनां नूं वी लिखा दिया क्योंकि बई डी सी तक जिला प्रशासन सारा बेईमान आ और कैबिनेट मंत्री दे आखे दे कहते जो आ वह कम कर रहा। सानूं इह लोकां नूं इह आ कि साडा जो हक पंजाब सरकार भेजी आ वह लोकां तक मिलना चाहीदा। तुहाडे वल्लों कोई इत्थे बोर्ड लगाए गए, पोस्टर वगैरह भी लगवाए गए ने कुछ? असीं पोस्टर लाए ने, सानूं रोज़ के मुताबिक साढ़े को दुनिया आ रही आ। आ तुसीं देखो लोग दुखी हो के साढ़े को आउंदे ने, असीं लोकां दी गल नहीं सुननी तो किन्ने सुननी आ, क्योंकि सरकार तो अपनी मन मर्जी करदी आ, असीं इहनां दी मन मर्जी नहीं करन देंगे। अगर ये ना रुके तो असीं गेट घीमा दे के पार्टी की परमिशन जिधर मैनूं मिल गई गेट घीमा दे के पुखड़ता रखांगे और प्रशासन के खिलाफ डट के लड़ांगे, लोकां दी खातर लड़ांगे। 36 दिन हो चुके ने अजी लॉकडाउन नूं, कि अजे तक कोई राशन कुछ पहुंचा हजे तक नहीं? राशन जिहड़ा आउंदा वह बेईमानी हो रही आ, एक तोड़े दे दो दो किते जा रहे ने। साडी मंग आ कि जिस तरह केरल सरकार वह कहिंदी आ लोकां नूं परेशान ना करो, हर एक दे खाते दे 7500 रुपया उन्हें पाया, उन्हें कहा कोई किसी के मगर घूमन की लोड़ नहीं। 75 अही कहने को केरल की सरकार वगर हर अकाउंट के जोड़ा वो 75-7500 रुपया पाया जाए, यह ना वेखा जाए कि किराएदार जाए एक वोडे पाया जाए। वो असी उ भी गल जी सर्व पार्टी मीटिंग चंडीगढ़ भी कही आ, इतने भी कहने कि लोगों को परेशान ना करो, साडिया धियां भैन बहुत औखियां धुप्प के कोई जो कोई घटना हो गई उसकी जिम्मेवारी केंद्रीय मंत्री जरा कैबिनेट मंत्री वो होगा। बजुर्गों की पेंशन है वह 1000 रुपया पाई जा रही है जबकि 750 रुपया आ रही है। मोदी सरकार के जोड़े बने हुए कार्ड वो 500 रुपया पर एक कॉपी से आ रहा, तो बाकियों ने सहूलत क्यों नहीं, बाकी कितने जान दसो? ठीक है,
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੁਣੋ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੋਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਉਤਰਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਜਨਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ।